नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती से जुड़े मामले में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सीआई कविता शर्मा के बीच अब जंग छिड़ गई है। किरोड़ी लाल मीणा ने जहां कविता शर्मा की नियुक्ति पर बड़े सवाल खड़े किए, तो वहीं सीआई कविता शर्मा ने अपनी ओर से सौंपी रिपोर्ट में राजकार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात कविता शर्मा द्वारा एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आवाज उठा रहे युवाओं को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान एक छात्रा को भी पुलिस ने हिरासत में लेने पर किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा को फटकार लगाई थी, जिसके बाद से ही पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट आज दूसरे दिन भी टोंक दौरे पर रहे। बीते दिन टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने रात्रि विश्राम अपने एक कार्यकर्ता के आवास पर किया, तो वहीं इस दौरान सचिन पायलट का ठेठ देसी अंदाज भी देखने को मिला। आज दूसरे दिन सचिन पायलट ने टोंक में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर कामों का जायजा लिया। सचिन पायलट ने इस दौरान ट्रॉमा अस्पताल के निर्माण कार्यों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बनास नदी पर बन रहे ब्रिज के निर्माण का जायजा भी सचिन पायलट ने लिया। सचिन पायलट ने कहा कि विभागीय अधिकारियों में समन्वय नहीं होने से देरी हो रही है। आज खनिज विभाग के अधिकारियों को फोन कर जानकारी ली तो सामने आया कि आपसी समन्वय की कमी के चलते 135 करोड़ की लागत से बन रहा है ब्रिज अब 20 मार्च तक निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की चकज्वाला सिंहवाला रोड के जर्जर होने से नागरिक परेशान है। इस रोड पर पूर्व मंत्री विनोद चौधरी का मकान भी है और इसी रोड पर आधा दर्जन से ज्यादा पॉश कॉलोनियां भी हैं, जिसमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। सीवरेज डालने के लिए सीवरेज कंपनी ने इस पूरी रोड को खोद डाला, जिसमें करीब 2 साल से नागरिक परेशान है और सड़क में गड्ढों के कारण रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और नागरिकों को बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब इस संबंध में नागरिक ने जिला कलेक्टर कान्हाराम को ज्ञापन सौंपा है और सड़क बनाने की मांग रखी है। साथ ही नागरिकों ने कहा है कि अगर जल्द ही इस रोड पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता है तो मजबूरन नागरिकों को आंदोलन करना पड़ेगा। सचिन पायलट ने टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंसक हमलों पर कहा कि लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, भारत सरकार को यह मुद्दा उठाना चाहिए। किसी देश के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और ना ही हम चाहते हैं कि कोई हमारे मामले में हस्तक्षेप करे, लेकिन हमारे निकट बॉर्डर पर इस तरह की घटनाओं से बड़ा दुख होता है। सरकार को हमें सचेत करना पड़ेगा, इसे तुरंत रोकना चाहिए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने पीएम मोदी और राजस्थान दौरे पर आने से पहले एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया। सर्दी का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि सर्दी अपने तेवर दिखाती हुई नजर आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम बदलने के साथ ही दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना जताई है। हालांकि बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक जो अधिकतम तापमान है बाड़मेर में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया। कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2024 से इलाज हेतु नई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आरजीएचएस में सूचीबद्ध निजी एवं सरकारी कर्मचारियों के सभी कार्मिकों के इलाज हेतु फोटो एवं फिंगरप्रिंट अनिवार्य रूप से शुरू कर स्वयं की उपस्थित होना होगा। इसमें अति निर्बल और अति वृद्ध पेंशनर और परिवार पेंशनर तथा सेवारत कार्मिकों के माता पिता अथवा उनके सास ससुर को भी इन सभी अस्पतालों में ओपीडी में परामर्श हेतु भी ले जाना अनिवार्य हो गया है। इससे इन रोगियों को तथा इनके सेवादारों को इनका इलाज कराने में बहुत परेशानी हो रही है। अस्पताल में इलाज के दौर के समय बहुत अधिक लग रहे हैं तथा कार्मिक एवं पेंशनर परेशान हो रहे हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्विचार करने से पहले ही रोगग्रस्त परेशान रोगियों को पूर्ववर्ती की दिशाओं में ओपीडी में उपचार करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। राइजिंग राजस्थान समिट में आने वाले इन्वेस्टर्स की आवभगत के लिए पर्यटन विभाग ने प्लान तैयार कर लिया है। राजधानी के पर्यटन स्थलों पर इन्वेस्टर्स के लिए निःशुल्क रखा गया है। गाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री टी, राजस्थानी कलाकार इस दौरान प्रस्तुति भी देंगे। इसको लेकर पर्यटन विभाग की ओर से नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही सिटी टूर प्लान को इन्वेस्टर किट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान को लेकर दूसरे विभागों द्वारा तैयारी भी की जा रही है। जिला कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक गुरुवार को जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनमोहन सोनी ने की। इसमें अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया के खिलाफ बाड़मेर में मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। पूर्व पार्षद गुरदीप सिंह चहल ने कहा कि
संगरिया विधायक ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ बयान दिया था। उनका मकसद किसी से दुश्मनी निकालना नहीं था। उन्होंने इतना बुरा भी नहीं कहा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाए। दूसरी तरफ भाजपा के जनप्रतिनिधि रोजाना अणगल बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाजपा का ये दोहरा चरित्र है। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 4 प्रकार के पद शामिल हैं। भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी गई है। इसके अनुसार अध्यापक लेवल 1 तथा अध्यापक लेवल 2 के कुल 2759 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह से शारीरिक शिक्षक 3rd ग्रेड के 179 पदों पर भर्ती होगी। पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड के लिए 48 पदों और प्रयोगशाला सहायक के लिए 17 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि नई रीट पात्रता परीक्षा के बाद ही होगी संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षकों की भर्ती, क्योंकि इसमें पात्रता परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य होंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले पर बड़ा निशाना साधा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा के एजेंट बताया है। खाचरियावास ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट है, वे भाजपा का प्रचार करते हैं, इसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले क्षत्रियों का अपमान करने का अधिकार किसने दिया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।